एकल नारी शक्ति संगठन ने मासिक पेंशन को बढ़ाने और राजस्थान के तर्ज पर बच्चों की पढ़ाई के लिए 3,000 महीना पेंशन देने की सरकार से मांग की है। इसके अलावा एकल नारी शक्ति संगठन ने हिमाचल में परित्यक्तता महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या को उत्तराखंड और राजस्थान के तर्ज पर परिभाषित कर राहत देने की मांग की। शिमला में आयोजित एकल नारी शक्ति संगठन के राज्य स्तरीय बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल के महिलाओं ने यह मांग उठाई है। एकल नारी शक्ति संगठन ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष निर्मल चंदेल ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण एकल महिलाओं को घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सरकार मासिक पेंशन को 1,150 से बढ़ाने के लिए काम करे और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी राजस्थान के तर्ज पर मासिक पेंशन देने का कार्य करे। वहीं निर्मल चंदेल ने सरकार द्वारा घर निर्माण के लिए 7,000 देने की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार इस योजना को लेकर विस्तृत जानकारी भी एकल महिलाओं से साझा करे ताकि योजना महिलाओं को लाभ भी मिल सके। आज जो हमारी स्टेट लेवल मीटिंग है एकल नारी शक्ति संगठन की, इसमें हमारे को जैसे उनको जैसे हिम केयर कार्ड बने हैं तो दवाइयां नहीं मिलती, कहते हैं कि आपको एडमिट होना पड़ेगा। अब वो एकल महिलाएं जो हमारे पास बताती हैं कि हमें एडमिट हुए हैं और जो सारी दवाइयां जो टेस्ट बाहर से लिखे जाते हैं। नंबर दो, जैसे उनके जो बच्चे हैं तो उनको जैसे राजस्थान की तर्ज पर हम कह रहे हैं कि वहाँ पर ये है कि कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर सर्कुलेशन जीआर निकाला है कि जिनके जो एकल महिलाओं के बच्चे उनको 3,000 पर मंथ उनको पढ़ाई के लिए देते हैं, तो उस तरह से जो वहाँ पर जो योजना लागू की है उसको भी इस तरह से हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाए। और जैसे परित्यक्त महिलाएं, इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो हम उनको कह रहे हैं कि उत्तराखंड और राजस्थान की तर्ज पे इनको भी परिभाषित किया जाए। जैसे उत्तराखंड में 1 साल से हैं और राजस्थान में 3 साल से हैं, और हम काफी साल से मांग कर रहे हैं। और जैसे कि महंगाई को देखते हुए जो पेंशन है वो अभी 1,150 है, कम से कम उसको 5,000 किया जाए, जो हमारी मांग है। और जो महंगाई इतनी है, गैस सिलेंडर जो है वो 1,200 रुपए का है, और सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं को दिक्कत आ रही है फील्ड में कि वो जब जाती हैं, जैसे परित्यक्त महिलाएं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा ना उनके बच्चों को, क्योंकि अगर वो कहीं उनके ससुराल मंडी में है तो वहाँ वोट डालने नहीं जा सकती, वो ना उनको राशन कार्ड उनके वहाँ पर है। तो वो सरकार उनको परिभाषित करे कि कौन एकल महिला है, कितनी कैटेगरी की है, कितनी पति, कईयों के पति लापता हैं तो उनको जैसे FIR दर्ज नहीं की हुई है तो 14 साल हो गए, 18 हो गए, अब उनको अवेयरनेस किया हमने तो आगे करेंगे तो 7 साल और लगेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी बात है, हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं CM साहब का कि कम से कम हमारा जो अब नाम तो आ रहा है एकल महिला का। जैसे हम यही पूछना हमने उनसे कि जैसे 101 करोड़ बजट रखा गया है, एकल महिलाओं का नाम दिया हुआ, तो वो कहाँ खर्च होगा। और दूसरी बात है कि जो 7,000 कहा कि हम एकल महिलाओं के मकान बनाएंगे, पर वो हम जो अभी बात उठ रही है कि वो कहाँ बनेंगे और किसके बनेंगे, वो हमारे को पूर्ण जानकारी चाहिए। उनकी एकल नारी का और किस प्रकार का जीवन वो बिताते हैं, हमारे विभाग का कर्तव्य है, मूल कर्तव्य है कि उनकी समस्याओं को समझें। तो उन्होंने कहा था कि आज का बड़ा बिजी सा प्रोग्राम है, पर मैंने कहा मैं 2-5-7-10 मिनट आपसे बात करूंगा और आपकी समस्याओं को देखेंगे। अब समस्याएं तो पूरे समाज में बहुत हैं, परंतु एकल नारी की अपनी विशेष समस्याएं होती है, घर बार को लेके, बच्चों को लेके, उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में, उनके जीवन यापन के बारे में, अपने बारे में। तो उन सब चीज़ों को आज देखना चाहूंगा, जो जो भी समस्याएं उनका निपटारा करने का प्रयास करेंगे। सर, एकल नारियां पेंशन बढ़ाने की मांग कर रही हैं, क्या इस पर कोई गौर होगा? जरूर विचार किया जाएगा बेटा, उसमें भी क्यों नहीं किया जाएगा, बिकॉज औरों की हम पेंशन बढ़ा रहे हैं तो उनकी पेंशन बढ़ाएंगे, अवश्य बढ़ाएंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।